नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन गोल्ड में, जिसमें हमने पहला वीडियो आपके लिए बनाया है और हम आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कई सारी चीज़ें आपको हम हमारे YouTube चैनल पे बना के जानकारी, पौधों के बारे में जानकारी कैसे लगाएं, इस प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे। अभी हम आपके लिए एक हमारी ये पहली वीडियो YouTube चैनल पे आपको हम बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे आप हमेशा बने रहें और आगे भी हमारी जो वीडियोस आएगी आप उसको ज़रूर देखें और लाइक करें। वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं हम और उसके बारे में बताएंगे। एक अडेनियम का पौधा है जो बहुत ही अच्छा फूल देता है, बहुत सारे कलर इसमें होते हैं, काफ़ी सारे कलर आपने देखे होंगे इसके, और हाइब्रिड वैरायटियां भी इसकी होती हैं, क्रॉस करावा भी आता है। ये हमने देसी वाला प्लांट लिया है, देखिए आप कितने ब्रांचेस इसने इसमें बनी हुई हैं अभी। और ख़ासकर दोस्तों, इसकी एक विशेषता है कि बहुत सारे जो लोग प्लांट के शौकीन जो लोग होते हैं वो बोनसाई के आजकल शौकीन होने लग गए हैं कि बोनसाई बनाने लग गए हैं। तो निश्चली प्रकृति में बना हुआ एक बोनसाई पौधा हमने जहाँ तक देखा है तो ये अडेनियम देखने को मिलता है अपने को, क्योंकि कई जगह अडेनियम ऐसे मोटे बेस में तने में दिखता है अपने को, तो ये नेचुरली ऑटोमेटिक ही बोनसाई बनता है पौधा। इसको कुछ भी अपने करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बस इसको समय पे कितना पानी देना है, कहाँ रखना है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसका रख रखाव थोड़ा सा। और छांव का पौधा नहीं है, पूरा धूप में जितनी इसको धूप मिलेगी उतना अच्छा पौधा चलेगा, पानी कम लगता है। एक और खासियत है इसको को पानी कम से कम देना, और ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गलने का थोड़ा विशेष डर रहता है, तो अब इसका ध्यान रखें, ज़्यादा मिट्टी इसमें ना लें और ज़्यादा पानी ना दें, छांव में ना रखें, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखेंगे तो आपका पौधा बेस्ट और बेहतरीन चलेगा और खूब अच्छे फूल देंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा ये और लगाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं, कितना पॉट बड़ा चाहिए। तो ये हमने छोटा सा पॉट लिया है, छोटा सा प्लांट है ये इस प्रकार का, और ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा लंबा ना होना चाहिए। ये देखिए एक छेद दो बना हुआ है, एक और छेद इसका कर लेते हैं। खाद का मिक्स मटेरियल जो है थोड़ा सा रख दिया है, ज़्यादा रखना नहीं है, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ है। और ये थैली से इस प्रकार से इसको हम खोल रहे हैं, देखिए इसमें मिट्टी पहले से पौधा आया है, काफ़ी मिट्टी है तो थोड़ा सा मिट्टी निकाल लेंगे, मिट्टी निकालने का कोई ये नहीं है, इस प्रकार से थोड़ा सा खिला देना है अपने को, कुछ भी नहीं होगा इसका, जड़ निकल भी जाएगी तो इसका इतना ज़्यादा खराब होने का डर नहीं है। ये मैंने निकाल दी है मिट्टी इसकी, ज़्यादा थोड़ी सी मिट्टी रखी है, ये देख लीजिए ऊपर जो इसका तना जो दिख रहा है, ये अपने को अंदर नहीं दबाना है, ये विशेष ध्यान रखना है इसका कि ये अपने को ऊपर कम से कम क्लियर दिखे, जो बेस तना हुआ यही दिखता है, यही बोनसाई बनाता है पौधे को, इसी के ऊपर ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा खाद इसमें मिक्स करा हुआ मटेरियल ये डाल रहे हैं हम, ये डाल दिया, थोड़ा हल्का सा हल्का हल्का सा दबा देंगे, ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, ये लग चुका है बिल्कुल। जो तना जो है उसके लेवल में हमने लगाया, तना पूरा इसका ऊपर दिखना चाहिए। दोस्तों ये जो पौधा है देखिए आप कितना बढ़िया सुंदर लुक आ रहा है। जब इसमें इतने से बड़े में अभी एक आध महीने बाद इसमें फूल आना चालू हो जाएगा, गुलाबी कलर, रेड कलर, येलो रेड सारे कलर इसमें आते हैं। और ये जो हमने लिया है ये पिंक कलर का जो देसी आता है वो प्लांट है ये, और खूब अच्छे से जब फूल आता है तो खूब अच्छा सुंदर लगेगा बोनसाई पौधा। और ऑटोमेटिक ही ये तना बेस फूलता जाएगा और ऑटोमेटिक आपका बोनसाई पौधा घर में एक तैयार हो जाएगा और इसी ब्रांचेस इसमें फूटेगी, बोनसाई टाइप रहेगा। और आप इसको घर में धूप में रखें, घर के अंदर ना रखें, छत के ऊपर रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलती हो और पानी इसको। ठंड के दिनों में तो यूँ समझ लीजिए इसको कम से कम पानी देना और पूरे धूप में रखना है। एक हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो आपका पौधा कहीं नहीं मरेगा। ये ध्यान रहे ज़्यादा पानी इसमें नहीं होना चाहिए, पानी डालते तो विशेष ध्यान रखें पानी बाहर निकल जाना चाहिए, वरना इसका जड़ गलने का और सड़ने का डर विशेष रहता है। इसलिए इसको धूप में रखना है। और देखिए इसका कितना अच्छा प्लांट बोल रहे आपका, नेचुरली प्लांट बोल रहे आपका। धन्यवाद।